चलो निकलो पहले। हाथ में दे दीजिए, हाथ में दे दीजिए। चलिए मोहरम कम है ना, चलिए मोहरम है, मोहरम है इसीलिए भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
गुनाहों को माफ फरमा ऐ आलमीन। हम सबसे पहले तुझसे माफी तलब करते हैं कि कई सालों से तेरे घर वीरान पड़ा था। ऐ अल्लाह हमारी इस खता को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी इस खता को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम कबूल करते हैं कि हम गफलत का शिकार थे। ऐ अल्लाह हम कबूल करते हैं कि हम गफलत का शिकार थे। ऐ अल्लाह तेरे आज इस घर को जो आबाद किया गया है, दोबारा यहाँ पर अपनी पेशानियों को तेरे सामने हमने रगड़ कर जो इस नमाज का आज से इस मस्जिद में आगाज किया है, अल्लाह की जो कोशिशें थी उनकी कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद करने के लिए जिन अफराद ने, मुकामी हो या गैर मुकामी, जिन जिन लोगों ने कोशिश की, ऐ अल्लाह उन तमाम की कोशिशों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह कान अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे इस घर को आबाद करने के लिए जिन जिन लोगों ने सीधे या फिर छुपे अंदाज में कोशिशें की है, उन तमाम की कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम कबूल करते हैं कि हम गफलत का शिकार थे। अल्लाह इसी तरह जितने भी तेरे घर हमारी अपनी दानिश्त में, हमारी अपनी नजर में गैर आबाद है, अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे कि हम उन तमाम घरों को आबाद कर सकें। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह इस कोशिश के बदले हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा। मेहरबान रहीम, आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए और आलम इस्लाम के लिए और सबके लिए, क्योंकि एक मस्जिद गैर आबाद थी, यहाँ पर आबाद हुई, क्योंकि कई ज़माने से बंद थी मस्जिद और यहाँ पर शराब पीकर बाटला फेंकते थे, जुआ खेलते थे, कुछ लोग गलत काम करते थे। तो हमको इंफॉर्मेशन मिली, कई लोग इंफॉर्मेशन दिए और हमारे उस्मान साहब भी इंफॉर्मेशन दिए और बहुत लोग यहाँ के इंफॉर्मेशन दिए। तो हम आज मस्जिद को जो है ना दो हफ्ते पहले आकर देख कर गए, वहाँ पर जो है ना आरडीओ से उससे हम लोग पूरा ये करें, सर्वे नंबर 82 है, इसके तहत 35 घंटे ज़मीन भी है ये मस्जिद के तहत, इंशाल्लाह ताला वो ज़मीन भी ये करेंगे। और बाउंड्री का जो साइडों से जो गिर गई थी बाउंड्री, वो भी जो है ना पूरी बाउंड्री भी अच्छी मजबूती से बनेंगी और ये मस्जिद को जो है हम लोग आज आबाद करें, अल्लाह के घर को हम आबाद नहीं करें, अल्लाह एक ज़रिया हमको बनाया, हम एक खादिम है इसके, हमारी कोई हिमाकत नहीं है हम आबाद करें वक्फ चेयरमैन बोल के। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो है ना मेरा फ़र्ज़ भी है ये काम करने का, और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज़ है हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं बराबर हम हमारे सीईओ साहब, हमारा स्टाफ वक्फ बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है बराबर पुलिस की सपोर्ट, आरडीओ की, कलेक्टर की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, केसीआर साहब की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर जो जेन्युइन काम है बराबर करेंगे और जो मस्जिदें बने उसको भी आबाद करेंगे, क्योंकि हम किसी के मज़हब को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हमारा गंगा जमनी तहजीब हमारा हैदराबाद का है और उसको कायम रखना है हमारे को, और सब मिलकर जो है ना एक जैती होकर ये काम को अंजाम देंगे अपन लोग, और यहाँ पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये मस्जिद मिलाकर 5 मस्जिदें हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद आबाद करें, जिसमें एक आलमगढ़ की मस्जिद हाईटेक सिटी के पास खानम मेट करें, और एक जो है ना नागुल के तरफ एक हमारे अबू अकरम साहब जो मेहनत करके बताए थे वहाँ पर एक, और एक जो है ना गोलकुंडा किले के पास वहाँ पर भी शराब वगैरह सब पी के बाटला फेंकते थे, वहाँ पर सब गलत काम करते थे, वहाँ पर भी जो है ना हम वहाँ पर आबाद करें मस्जिद को। और ये एक मस्जिद है और एक एक मस्जिद इब्राहिम पैटर्न के तरफ भी वहाँ पर भी जो है ना एक मस्जिद आबाद कराए, ऐसा करके 5वीं मस्जिद है ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद 5वीं मस्जिद, जो बंद थे मस्जिद है जहाँ पर गलत काम होता था, गलत तरीके से ये करते थे, हमको जैसा इंफॉर्मेशन मिली हम लोग हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, पुलिस की सपोर्ट, कलेक्टर की, आरडीओ की, हमारे सीईओ साहब वगैरह, हम लोग पूरे मिलके, हमारा वक्फ बोर्ड का स्टाफ, इस पे कयूम खां वगैरह जो जो भी लोग है हमारे स्टाफ में, सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इसको जो है ना हासिल करें, और इंशाल्लाह ताला और जहाँ जहाँ पर भी है, एक मस्जिद बारकस के करीब भी है बोल के उठाए हुए हैं आर्कोलॉजिकल वालों से, करे उस दिन काम भी शुरू करा दिए थे, वहाँ पर जो है ना गड़बड़ हुई, कुछ सरपसंदे लोग आके गड़बड़ करे तो उसको
फिलौकत रोके, मगर वहाँ भी उसको भी कराया तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, अल्लाह चाहे तो वहाँ पर भी जो दावत हो जाएंगी। थे कमेटी में, अभी हम देख के जो ना यहाँ के महल्ले के लोग जो है, क्योंकि बस्ती के लोग खत्म होने के बाद ही मस्जिद के लोग जो भी है, तो इंशाल्लाह तो ये अल्लाह का घर आबाद हो रहा है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अल्लाह के घर में जो है ना सब मिलकर, एक उंगली से कुछ वजन नहीं उठता, मैं अकेला एक हाथ से कुछ नहीं, सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ना है, सब लोग मिलकर यहाँ पर नमाज कायम करना है, और यहाँ पर महल्ले वालों की जिम्मेदारी है और हम वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। एक एक रुपया भी है तो वक्फ बोर्ड से यहाँ के काम के लिए जाएंगा, और जहाँ जहाँ पर भी है आप लोग हमारे को आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, जहाँ भी बने कुछ भी है हमारे से जो हो सकता, गवर्नमेंट से जो हो सकता बराबर, गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट रहेंगी। और केसीआर साहब ऐसे नहीं है कि कोई गलत ये करने के लिए, केसीआर साहब को भी कुछ लोग मिसगाइड कर रहे तो गलत है, क्योंकि केसीआर साहब जो है ना बिल्कुल सेकुलर है, सेकुलर पूरे हैदराबाद के कल्चर से भी वाकिफ है। इंडिया में दूसरे सीएम जो है डिफरेंट है, ये सीएम डिफरेंट है। इंशाल्लाह देख रहे हैं आप कितने स्कीम्स वगैरह आए हुए हैं, उसी तरीके से जो है ना, अब अगर वैसा रहता तो आज मस्जिद ही आबाद नहीं कर सकते थे, पुलिस की बगैर सपोर्ट के कोई काम नहीं हो सकता, मगर आज पुलिस हमारे को सपोर्ट करी, गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से, कलेक्टर की सपोर्ट, आरडीओ की, एमआरओ की, सबकी सपोर्ट लेके हम लोग ये काम करे, और ऐसी जहां जहां भी है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग जो जेन्यून है, जो पेपर पे गजट मुंतखब में है, वो मस्जिदों को आबाद करेंगे, और इसमें कॉन्ट्रोवर्सी करने की किसी को जरूरत नहीं है, और कोई इसमें मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। आबाद करने के लिए आइए, ये लड़ाई झगड़ा करना है तो हमारी ऑफिस को नहीं है। मालूम हुआ इंशाल्लाह ताला वहां पर भी जो है एक दो दिन में गणेशों के बाद में सीओ साहब वगैरह इंस्पेक्शन करेंगे, या डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास चेक करके उसको भी आबाद करेंगे इंशाल्लाह। और जहां जहां पर भी है अल्लाह चाहे तो हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला अच्छे अच्छे काम होंगे। ये नहीं कि दूसरे लोग दूसरे हुकूमतों में जैसा है वैसा नहीं है, बराबर यहाँ पर जो मस्जिदें आबाद करना है बराबर होंगे, इसको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आज ये मस्जिद के लिए भी जो है ना एक रुपये का फंड कोई पब्लिक का नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड से इसको आबाद करें, और पूरी वक्फ बोर्ड से जो है ना बोरवेल डलाएंगे यहाँ पर अभी, और जो है ना हाउस और हमारे नल का वजू खाने के लिए, टॉयलेट्स के लिए, और इसमें फैंस वगैरह करंट वगैरह जो जो चीज़ की ज़रूरत है पूरा इमीडिएट दो तीन दिन के अंदर हम ये काम ख़त्म करेंगे, और बाउंड्री वॉल भी जो है उसको भी जो है कम्प्लीट करेंगे। परसों मेयर साहब को भी बुला के हम बात करें, मेयर साहब भी जो है ना तयकुन दिए कि उसको करेंगे बोल के, कमिश्नर बल्दिया वगैरह सब लोग इंटरेस्टेड है इसको काम कराने के लिए। अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छा एक मस्जिद बन जाएंगी, मस्जिद तो आबाद हो गई, ये सब चीज़ यहाँ की जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं वो भी करा देंगे हम। और भी अभी सुना मैं यहाँ पर एक मस्जिद है तालाब के उधर वो साइड पे, वो भी कुछ है तो वहाँ पर भी, हाँ दुर्गम चोरू के तालाब के पास भी कुछ है, वो भी मस्जिद के लिए हम जो भी है हमारे ऑफिसर जाके इंस्पेक्शन करके हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या है निकाल के हम लोग पूरा लीगल जाते हैं, क्योंकि इनलीगल कोई काम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि लीगल में हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये मस्जिद के भी गजट है, मुंतखब है, हर चीज़ है। तो वैसे ही जो है ना हर जगह देख के हम लोग जो है, अगर कोई ये समझ रहा है कि मस्जिद सेल्फ स्टाइल है बोले तो नहीं है, सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट 95 एक्ट ये है कि ऑटोमेटिक अगर आप मस्जिद अपने घर में भी बना लिए तो वो ऑटोमेटिक वक्फ यूजर में आ जाती हो, तो वो वक्फ की हो जाती है, वो मस्जिद ग्रेवयार्ड दरगाह आशुर खाना ये सब वक्फ के तहत रहता है, यही नहीं पूरे इंडिया लेवल में कानून है, सेंट्रल एक्ट है वो। तो अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ मैं कि अल्लाह मियाँ मेरे हाथ से जो है ना इतने अच्छे काम ले रहे, मेरे को एक जरिया बना के हमारे वक्फ बोर्ड के तहत, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इसको आबाद करिए, सब लोग यहाँ के लोग सब लोग आकर इसको आबाद करना है, नमाज पढ़ना है, और यहाँ पर इमाम मौजन को भी अपॉइंट करके उसकी तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड से देंगे हम लोग डायरेक्ट।